चेची। ओ क्या कर रही है तू? मेरे कपड़े वो तुझे कभी नहीं आएंगे मैया। गले ची। सुनिए भाई साहब, चुप। एक बात बताओ, तुमने एक लाल रंग का घाघरा चोली पहने किसी लड़की को देखा है? वो मेरी पैंट लेकर भाग गई। तुम्हारे गांव में तो ऐसी कोई लड़की नहीं है। अच्छा ठीक है, मत बताओ, हंसो और हंसो। लेकिन ये मत भूलना कि उसने एक पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी चुराई है। मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा उसे। अरे चुप रहो, क्यों मजाक उड़ाते हो? बेटा इन सब की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तू नाराज नहीं होना और हमें छोड़कर मत जाना। नहीं माँ, मैं नाराज नहीं हूँ और मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। चलो जाओ, भागो, अपने अपने घर जाओ। चलो चलो जाओ। बेटा बात यह है कि बहुत दिनों के बाद ये गांव वाले हंसे हैं, वरना ये तो हंसना ही भूल गए थे। क्यों? हंसना तो बहुत अच्छी बात है। हाँ? मुझे बहुत पसंद है। हाँ? हंसी का मतलब खुशी आने वाली है, सुकून और शांति आने वाली है। सुकून और शांति? बेटा ये गाँव वालों के लिए तो एक सपना है, तू ये सब ला सकेगा? खुशिया? हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसीलिए तो मैं आया हूँ। भगवान तुझे लंबी उम्र दे। ओ माँ, ये गुलेची का क्या मतलब है? गुलेची? हाँ बेटा, दीवाने को कहते हैं। दीवाने को? देख छोटू, उस लड़की ने पूरे गांव के सामने मेरा तमाशा बनाया। तू पता लगाकर बता कि वो कौन है और कहाँ रहती है। ठीक है, कल पता करके बताऊंगा। नहीं कल नहीं, आज शाम तक पता लगा। अच्छा। किसी ने सच्ची कहा है, अगर इंसान के मन में सच्चा प्यार हो तो वो ईश्वर को भी पा लेता है। मैंने तुम्हें पा ही लिया। जितना प्यार मैं तुमसे करता हूं, क्या उतना ही प्यार तुम मुझसे भी करती हो? शर्मा रही हो, और शर्माना भी चाहिए। अरे शर्म तो लड़की का गहना होता है। अच्छा एक काम करो, जिस तरह मैंने तुम्हारी तरफ फूल फेंका वैसे ही मेरी तरफ फूल फेंको और मैं समझ जाऊंगा कि तुम भी मुझे चाहती हो। तुम्हारे हाथ इतने सख्त कैसे हो गए? अच्छा अच्छा समझ गया, बहुत काम करना पड़ता होगा ना। लेकिन फिक्र मत करो, शादी के बाद मैं तुम्हें फूलों की तरह रखूंगा। अब तो अपना चांद सा चेहरा दिखा दे। अरे जब शादी का इकरार कर ही लिया तो छुपाना क्या? जब से तुझे नदी के किनारे देखा था तब से तुम्हारी सूरत देखने के लिए मर रहा हूं मैं। एक बार, सिर्फ एक बार दिखा दे अपनी सूरत। तू? हाँ मैं, चोरी छुपे मेरी बहन को मिलने आता है। गांव वालों को बुलाकर सबको बताऊंगा तू यहां छेड़ने आता है मेरी बहन को। सबको बताऊंगा चिल्ला चिल्ला कर। गांव वालों, क्या कर रहा है तू? क्या वो तेरी बहन है? हाँ मेरी बहन है। ओ सॉरी यार, मैं उसे सच्चा प्यार करता हूँ। गांव वालों, गांव वालों, गांव वालों। अबे साले, मैंने तुझे बच्चा समझा, तू तो बड़ों का भी बाप निकला वे। निकल जा मेरे घर से सारा बेवकूफ कहेगा। हाथ छोड़ दो, हाथ छोड़ दो ना। ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं, जिंदगी भर का साथ निभाने के लिए पकड़ा है। छोड़ दो ना, आज तक हमारा हाथ किसी ने नहीं पकड़ा, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? तो क्या कहेगा, यही ना कि मैं तुमसे और तुम मुझसे प्यार करती हो? करती हो ना? तुम्हारी खामोशी को मैं हाँ समझूं या ना?
हाँ हमने ना तो नहीं कहा। अबे क्या कर रहा है तू? अरे सर इसीलिए तो कह रहा था कि मत साफ कराओ, धूल आपके फेफड़ों में जाएगी। तू बहाने मत बना, चल बैठ। सर मैं और आपके सामने सर। अबे बैठ यार। जी सर। एक बात बता। जी। यहाँ हफ्ते भर की रिश्वत कितनी आती है? तो शराब खाने और जुए के अड्डे कितने? रेड लाइट एरिया किधर है? शराब। मैंने सवाल किया है, कुछ चुटकुला नहीं सुना है? मगर सर मैंने इससे बड़ा चुटकुला आज तक नहीं सुना। ये शुद्ध शाकाहारी गांव है, प्योर वेजिटेरियन। यहाँ के लोग हिंसा में विश्वास नहीं रखते, इसलिए आपने देखा नहीं कि थाने में बंदूक तक नहीं है। अच्छा तो इस पुलिस स्टेशन की स्ट्रेंथ कितनी है? 100% 100% है। किधर? 50% आपके सामने बैठी है और बाकी? बाकी 50% मेरे सामने बैठी है। पुलिस चाचा, पुलिस चाचा। चाचा और मैं? ए, मेरे को चाचा चाचा मत बोलना। ठीक है पुलिस भैया, मुझे भी पुलिस वाला बनना है। तुम जैसी मुझे भी वर्दी दो ना। बेटा अभी तू बहुत छोटा है, जरा बड़ा हो जा फिर मैं तेरे को वर्दी दे दूंगा। ओके? अभी दो ना, मैं आपको चने खिलाऊंगा, मेरे पास बहुत सारे चने हैं। ये देखो। वाह बेटा, वर्दी के लिए रिश्वत? अरे अगर तुझे वर्दी मिल गई तब क्या करेगा तू? तू जा पहले पुलिस स्टेशन का बोर्ड ठीक कर। चल अटेंशन। चल। साला जिस गांव का बच्चा इतना बड़ा हो, सोचो उस गांव के जवान की। हिम्मत सिंह यार एक बात बताओ, इस गांव में बूढ़े हैं और बच्चे हैं, जवान कहाँ है? पुलिस चाचा, खाना। खाना किसने भेजा? दादी ने। दादी ने? दादी कहती है कि खाना खाने से तुम्हें ताकत आएगी और तुम ठाकुर को मारकर मेरे पिताजी को छुड़ाओगे ना। लेकिन कहाँ है तुम्हारे पिताजी? ठाकुर ने उन्हें कैद कर रखा है, मैंने अभी तक नहीं देखा मेरे पिताजी को, ठाकुर उन्हें छोड़ता ही नहीं है। मार दादी बहुत रोती है। दादी तो कहती है जब मैं बड़ा जाऊंगा तो ठाकुर मुझे भी छीन ले जाएगा अपनी माँ से। नहीं बेटा, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। अच्छा, और तुम मेरे पिताजी को भी छुड़वाओगे? हाँ हाँ बेटा। अच्छा मैं जाता हूँ, मार दादी से कहूंगा कि पिताजी छूटने वाले हैं, पिताजी छूटने वाले हैं, पिताजी छूटने वाले हैं। हिम्मत सिंह चक्कर क्या है? सर आप इस चक्कर में ना पड़े तो अच्छा है, वरना तकलीफ में आ जाएंगे। कैसी तकलीफ? ये तो ठाकुर ही जाने। ये ठाकुर कौन है? इस गांव के और आसपास के 16 गांव के सारे जवान ठाकुर के बंधुआ है, उसकी गुलामी करते। उनके नसीब का फैसला ठाकुर गजेंद्र सिंह ही करता है। ठाकुर गजेंद्र सिंह। मुझे नहीं चाहिए ये इंजेक्शन, नहीं। मैंने कहा था ना, मुझे नहीं चाहिए ये इंजेक्शन। बेवकूफो, ये नशा नहीं जिंदगी है, जिंदगी। अगर इसे लेने से इनकार करोगे तो अपनी जिंदगी को इनकार करोगे। ले ये इंजेक्शन, ले ये इंजेक्शन। नहीं ठाकुर साहब। जो आप कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ, बस एक बार मैं अपनी माँ, बीवी और बच्चे से मिला हूँ।
वालों की सलामती चाहता है तो बगैर आवाज किए काम कर। गुलामों, कान खोल कर सुन लो। जब तक तुम लोग मेरे लिए काम करते रहोगे तब तक तुम्हारे घर वाले जिंदा हैं, और जब तक तुम्हारे घर वाले खामोश हैं तुम लोग जिंदा हो। अगर किसी के भी मुंह से निकला कि हमारी जमीन में से क्या निकलता है तो उसके परिवार की लाशें गांव के चौराहे पर बिछा दी जाएगी।